अंडे हैं इनको ऊपर की तरफ नहीं रखना, इनको नीचे की तरफ रखना है, इस प्रकार, इस प्रकार रखना है। और ये स्टेपलर द्वारा इसे यहाँ इस... किसान साथियों, ये जो आप एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, इस कागज के टुकड़े के द्वारा टो बोरर की जो समस्या है हमारे गन्ने में, काफी हद तक इसका समाधान हो जाएगा। अब ये है क्या किसान भाइयों, ये है ट्राइकोग्रामा कार्ड। ये जो ट्राइकोग्रामा कार्ड है किसान भाइयों, इसमें से जो मक्खी निकलती है वो टो बोरर के जितने भी अंडे होते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो अब जिस प्रकार अब बरसात की भी मौसम चल रही है किसान साथियों, बारिश हो जाती है, हम स्प्रे भी नहीं कर पा रहे, तो ये एक जैविक विकल्प, जैविक समाधान, बहुत ही अच्छा समाधान है किसान भाइयों टो बोरर के लिए। अब ये है क्या, कैसे इसे इस्तेमाल करना है? तो किसान साथियों, ये जो कार्ड है, ये जो ट्राइकोग्रामा कार्ड है, इसमें ट्राइकोग्रामा नाम की जो मक्खी होती है, ये जो परजीवी होता है, ये जितने भी टो बोरर के अंडे होते हैं ये उनको खाने का काम करता है। जैसे इसे कहीं अंडे दिखाई देते हैं टो बोरर के, ये उन पर अटैक करता है, उन्हें खाकर नष्ट कर देता है। अब ये देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, ये जो कार्ड हम लेकर आए हैं इसमें कुछ जानकारी भी दी गई है। बेधक कीटों का प्रकोप होने की अवस्था में एक एकड़ खेत को 20 अलग अलग भागों में विभाजित करते हुए प्रत्येक भाग में इस कार्ड का एक टुकड़ा काटकर लगाएं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और किसान भाइयों, कार्ड को जो है खेत में शाम के वक्त ही लगाना है, क्योंकि जो तेज धूप होती है, जैसे हम इसे लगाते हैं तो थोड़ा ये अपने आप को सेटल कर लेती है ये जो, तो शाम के समय ही लगाना है। इसमें कुछ सावधानी लिखी गई है, कार्ड को खेत में लगाते समय यह सुनिश्चित कर लेगी खेत में नाश कीटों के अंडे मौजूद हैं कि नहीं। किसान भाइयों, आपको ये देख लेना है कि हमारे खेत में जो टॉप बोरर के अंडे हैं खेत में, वे हैं या नहीं है। अगर अंडे हैं तो इसको हम लगा सकते हैं। और कार्ड का प्रयोग न कर पाने की अवस्था में इसे पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10-15 दिन तक भी रखा जा सकता है। और इसमें एक सावधानी और रखनी है किसान भाइयों, जैसे हमने अपने खेतों में लगाया तो कुछ दिन तक हमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है। अब हम इसको लगाते हैं किसान भाइयों, ये कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे लगेगा, ये जो आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टुकड़े देख रहे हैं, ये अलग अलग स्थानों पर लगेंगे। अब हम इसको काटते हैं और काट कर ये किस प्रकार लगाना है वो भी देखते हैं, बंद करिए। तो किसान भाई, इसको लगाना कैसे है, अभी जो इसमें एक कार्ड में 10 अलग अलग खाने देख पा रहे हैं आप टुकड़े, इन खानों को अलग अलग काट लेना है किसी कैंची की सहायता से या किसी भी प्रकार, और इस पर किसी भी प्रकार का हाथ ना लगे, दबाव ना बने, बिल्कुल आसानी से काट लेना है इस प्रकार। ये देखिए, ये एक टुकड़ा ऐसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब ये पत्ती पर किस प्रकार लगेगा वो भी बताते हैं हम आपको, इसको अच्छे से काट लेना एक टुकड़े को, बिल्कुल ये हो गया बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल ऐसे अलग निकाल लेना है। अब इसके ऊपर बिल्कुल भी हाथ का दबाव ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सावधानी से बिल्कुल अलग। अब हमें एक स्टेपलर रखना है अपने पास में, स्टेपलर की सहायता से अब हम इसे पत्ती पर लगाते हैं, थोड़ा अंदर की साइड में लगाना है। और पत्ती पर किसान भाइयों कहाँ को लगाना है ये भी देखिए आप, जो ऊपर की पत्ती है, ऊपर की वाली टॉप वाली, उससे छोड़कर जैसे ये इस प्रकार ये पत्ती है, तो हमें इस पत्ती की निचली साइड में ऐसे लगाना है, और ये जो अंडे हैं इनको ऊपर की तरफ नहीं रखना, इनको नीचे की तरफ रखना है, इस प्रकार, इस प्रकार रखना है। और ये स्टेपलर द्वारा इसे यहाँ स्टेप कर देते हैं, आसानी से गया यहाँ पर फिट। तो किसान भाइयों, ये अच्छे प्रकार से सेट हो गया, अगर बारिश भी पड़ती है तो ये इसके पत्ती के नीचे रहता है, इससे इसके अंडों को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये इसमें से मक्खी निकलकर, ट्राइकोग्रामा मक्खी निकलकर, ये जितने भी टॉप बोरर के अंडे हैं जहाँ भी, उनको ढूंढेगी और उनको अपना भोजन बनाएगी। तो इस प्रकार ये एक एकड़ में 20 कार्ड जगह जगह अपने खेत में लगा देने हैं, और ये एक जैविक समाधान है टॉप बोरर के लिए। तो हमारे किसान भाई इस ओर भी ध्यान दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा समाधान है। और किसान भाइयों, ये मात्र 60-70 रुपये का एक कार्ड हमको मिल जाता है, और दो कार्ड एक एकड़ खेत के लिए काफ़ी रहते हैं। मोदीपुरम कृषि यूनिवर्सिटी में से जाकर आप इसको ले सकते हैं, और जहाँ भी कृषि यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी आपको ये मिल सकता है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।